21 अगस्त को प्रस्तावित बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सभी करें सहयोग। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने की आयोजनकर्ताओं और व्यापारिक संगठनों से अपील। श्रीगंगानगर अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण को लेकर 21 अगस्त को प्रस्तावित बंद के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के संबंध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु ने बंद के आयोजनकर्ताओं और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रस्तावित बंद के दौरान कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सभी सहयोग करें। बैठक में आयोजनकर्ताओं और व्यापारिक संगठनों को जिला कलेक्टर ने बताया कि इस संबंध में माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान में प्रदत्त आरक्षण को लेकर कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है, इसलिए आरक्षण का समर्थन करने वाले संगठन प्रस्तावित बंद में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर कोई बंद में शामिल होता है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तुत करे, जबरदस्ती बंद नहीं करवाया जाए। इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। उन्होंने सोशल मीडिया से फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान करते हुए कहा कि आयोजनकर्ता और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि बंद के दौरान जागरूक तथा सावचेत रहकर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दें। उन्होंने कहा कि हमेशा से गंगानगर का इतिहास शांतिपूर्ण, आपसी प्रेम और भाईचारे का रहा है, इसलिए सभी मिलजुल कर इसे बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न देकर प्रस्तावित बंद के दौरान कानून व्यवस्था का समुचित पालन करें। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले असामाजिक और अराजक तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आयोजन से जुड़े प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि बंद शांतिपूर्ण रहेगा और इस दौरान आपातकालीन सेवाएं बाधित नहीं होंगी। जिला पुलिस अधीक्षक श्री गौरव यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्ण रूप से रखने का अधिकार है, इसलिए प्रस्तावित बंद के दौरान आयोजनकर्ता अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। बलपूर्वक दुकान और बाजार बंद नहीं करवाए जाए, जिले में कहीं भी किसी भी तरह का टकराव न हो और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए आयोजनकर्ता और व्यापारिक संगठन अपनी जिम्मेदारी समझे। अगर कोई बंद का समर्थन नहीं करता है तो उसका विरोध नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि गंगानगर में प्रेम और भाईचारे का जो इतिहास रहा है उसे बरकरार रखा जाए। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। समस्त आयोजनकर्ता और व्यापारिक संगठन इस संदेश को जिला मुख्यालय के साथ साथ उपखंड और ग्राम स्तर तक पहुँचाए ताकि कहीं भी कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। कहीं पर अगर कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो तत्काल जिला प्रशासन और पुलिस को सूचना दी जाए। कानून व्यवस्था प्रभावित होने पर संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी। इस दौरान आयोजनकर्ताओं और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि 21 अगस्त को प्रस्तावित बंद के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बरकरार रखने में सभी अपना सहयोग देंगे। सभी शांतिपूर्ण बंद के समर्थन में है, बंद के विरोध में कोई नहीं है। इस अवसर पर एडीएम सतर्कता श्री नरेंद्र पाल सिंह, गंगानगर एसडीएम श्रीमती जीतू कुलरी, सीओ सिटी श्री बी आदित्य, प्रशिक्षु आईएएस श्री रजत यादव, आयोजनकर्ता और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट। कल भारत बंद का आह्वान किया गया, इस क्रम में आज कलेक्टर साहब के साथ एक सभी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने इस बात पर सहमति जताई और इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई जाएगी। इसमें जो लोग बंद का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बंद रखा जाएगा और यदि कोई असामाजिक तत्व इसमें किसी भी तरीके की अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके बारे में वे स्वयं पुलिस को सूचना देंगे। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरीके का यदि किसी ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जो लोग कुछ लोग जो बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं उन्होंने भी ये स्पष्ट कहा है कि वो भी इस दौरान बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से रहेंगे, वो भी किसी भी तरीके के ऐसा माहौल नहीं उत्पन्न करेंगे जिससे अशांति का माहौल पैदा हो। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी से आग्रह करना चाहूँगा, किसी भी तरीके की भ्रामक सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट हो या कोई चीज़ वायरल हो या कोई ऐसी जानकारी हो जो भ्रामक हो उसके बहकावे में नहीं आए और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से कल का जो भी दिन है वो हमारा दिन है। दिनांक 21 अगस्त को जो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तावित भारत बंद का आह्वान कुछ संगठनों कुछ लोगों के द्वारा किया गया है,
उसके संबंध में आज मैंने और एसपी साहब ने सभी जो संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा की है और सभी ने ही पूर्ण रूप से शांति व्यवस्था बनाए रखने का मैं आश्वासन दिया है। मेरी सभी जिलेवासियों से भी अपील है कि किसी भी भ्रामक खबर या मिस इन्फॉर्मेशन पे, किसी अफवाह पे, सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से कोई अफवाह आती है तो उस पर ध्यान नहीं दें। पूर्ण रूप से शांति बनाए रखें और कोई भी अगर अराजकत्व या कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था को बिगाड़ता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी और सभी लोग जो है शांति व्यवस्था बनाकर रखें। सभी ने ये हमें पूर्ण आश्वासन भी दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिले में पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है।